हेलो प्यारे बच्चों, कैपेसिटर चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं अपन। और लास्ट लेक्चर में तीन प्लेट्स वाले प्रॉब्लम्स और कंसेप्ट सीखे थे। अभी ये टॉपिक हमारे पास अनइक्वल चार्ज रखा है बच्चों दो प्लेट पर। तो मान लेते हैं कि प्लेट नंबर वन पे Q1 है और यहाँ Q2 है, अलग अलग चार्ज प्लेस कर दिए। टोटल यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो रिजल्टेंट चार्ज जो बनेंगे बच्चों उनके नाम रख लो आप, QA, QB, QC और QD। ये दो चीजें मिलते ही आप इन दोनों को तो लिख ही सकते हो बच्चों कल वाले कंसेप्ट से। ये लिखा है Q1 और ये लिखा है Q2। आप बोलोगे कि सर आउटर मोस्ट साइड पे तो चार्जेस शेयर हो जाते हैं, तो हो जाएगा Q1 प्लस Q2, दोनों को जोड़ दो, डिवाइड बाय 2 कर दो। यहाँ पे क्या होगा, सेम वही चीज हो जाएगी, Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाय 2। बात करते हैं अपन इंटरनली इन दो साइड्स पे चार्ज की, मतलब क्यू ऑफ बी और क्यू ऑफ सी की। तो ध्यान दो बच्चों, इस प्लेट पे रहने वाला चार्ज कितना है, Q1 है, और एक तरफ कितना है, Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाय 2। तो यहां करने के लिए क्या करना होगा आपको, मैंने समझाया था इसको, Q ऑफ B का मतलब हो जाएगा टोटल है यहाँ पे Q1, माइनस कर दो उसको Q ऑफ A से, तो ये वैल्यू डायरेक्ट मिल जाएगी अपन को। Q1 को इससे माइनस करोगे ना तो हो जाएगा Q1 माइनस ऑफ Q2 डिवाइड बाय 2। तो देखो ये मिल गया, इसका आंसर आ गया, ये आ गया। अब यहाँ पे क्या होगा, आप लोगों को पता है कि सर यही वाली वैल्यू यहाँ दिखती है बस इंडक्शन के साथ, ठीक। तो माइनस जब पड़ेगा ना तो वैल्यूज यहाँ पे पलट जाएंगी और ये हो जाएगा Q2 माइनस Q1 डिवाइड बाय 2। दिस इज हाउ वी कैन राइट एवरी चार्ज ऑन ऑल द सर्फेसेस। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ Q ऑफ A कितना आया बच्चों, Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाय 2। Q ऑफ B कितना है, ध्यान दो आप लोग, Q1 माइनस Q2 डिवाइड बाय 2। Q ऑफ C कितना आ रहा है बच्चों, बस पलट देना है इसको, Q2 माइनस Q1 डिवाइड बाय 2। और एट लास्ट लास्ट प्लेस पे कितना आ रहा है, फिर से फर्स्ट प्लेट वाला, ठीक है। इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी होता है बच्चों, कैसे, कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस समझ लो कि सर ने यहाँ दो चार्ज दिए दोनों प्लेट्स पे, इन दो प्लेट के सेपरेशन से इन दोनों इनिशियल चार्ज की वैल्यू नहीं बदल रही है ना। ये कंसेप्ट अपन अजम्पशन में रख के चलते हैं। देखो यहाँ पे Q1 है, इसके दोनों तरफ इसका हाफ हाफ चार्ज आप बांट दो, तो यहाँ कितना हो जाएगा Q1 बाय 2 और यहाँ भी हो जाएगा Q1 बाय 2। इसकी वजह से यहाँ भी रख दो हाफ हाफ चार्ज, तो हो जाएगा Q2 बाय 2 और यहाँ बोलो बच्चों Q2 बाय 2। सर ने कुछ नहीं किया है, इसको हाफ हाफ दे दिया है और इसको भी हाफ हाफ दे दिया है। अब इन दोनों पे क्या होगा, इंडक्शन के प्रोसेस होंगे, इससे यहाँ क्या इंड्यूस होगा, इसी का नेगेटिव वाला, तो हो जाएगा बच्चों माइनस ऑफ Q1 बाय 2 और इससे यहाँ पे इसका नेगेटिव वाला होगा तो हो जाएगा माइनस ऑफ Q2 बाय 2, दैट्स ऑल। और जब कभी इंडक्शन होता है, जैसे मान लो ये Q1 ने इंडक्शन करवाया आपसे, तो देखो बच्चों जब इसकी वजह से यहाँ पे इंडक्शन होगा ना माइनस का, तो उतना ही प्लस का यहाँ पे दिखने लग जाएगा, ये होती प्रॉपर्टी इंडक्शन की। और सिमिलरली यहाँ पे Q2 से आपने नेगेटिव दिया है ना, तो इसका यहाँ पे एक प्लस का टर्म आने लग जाएगा, वो जाएगा Q2 बाय 2। अब सबको जोड़ करके आप लिख दो, आप पुरानी वाली जगह पे पहुंच जाओगे। कैसे, इन दोनों का सम कर लो बच्चों, तो आपका आंसर आ गया कि सर Q ऑफ A कितना होगा, ऐड कर लो जल्दी से, ये हो जाएगा Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाय 2। इन दोनों को जोड़ लो तो यहाँ हो जाएगा Q1 माइनस Q2 डिवाइड बाय 2। इनको जोड़ लोगे तो क्या हो जाएगा, Q2 माइनस Q1 डिवाइड बाय 2 और यहाँ करोगे तो वापस से आ गया Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाय 2। दिस इज हाउ हम वापस से अपने पुराने आंसर्स पे बच्चों पहुंच गए, ठीक है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है बच्चों, ये होता है सिग्मा डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, जब भी अपन थिक की बात करते हैं। देखो दो थिन प्लेट मिलके थिक बनाएंगे तो ये तो आंसर आने ही वाला है। इसी चीज को आप लोग Q बाय A एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हो। अब यहाँ पर ये Q क्या होगा, यही सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है बच्चों को, क्योंकि चार को चार चार चार्ज मिल रहा है यहाँ पे। वापस से डायग्राम को देखोगे तो क्या मिल रहा है बच्चों, कि ये अल्टीमेटली एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करा रहा होगा कुछ इस तरह से इस पूरे कैपेसिटर के अंदर। क्योंकि देखो कैपेसिटर बनने के लिए क्या चाहिए होता है, दो प्लेट्स, दोनों प्लेट्स पे चार्ज की बिल्कुल ऑपोजिट पोलैरिटी और इक्वल। तो यहाँ देखो Q1 माइनस Q2 बाई 2 है और उसी का नेगेटिव टर्म यहाँ पर है, तो आपका कहना क्या आना चाहिए कि सर इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगी, कांस्टेंट भी होगी और ये कैपेसिटर भी बन जाएगा। हालांकि इस पर मैंने अलग अलग चार्ज दिया है बच्चों, अनइक्वल होने के बावजूद भी ये कैपेसिटर ही बन पाएगा, ठीक। कंसेप्ट नहीं भूलना है अपन को, बस ये लिखना है
जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो किसकी वजह से सेटअप है. इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेटअप बिकॉज ऑफ दिस क्यू वन माइनस क्यू टू बाय टू, जो इनर सरफेस से चार्ज है. तो यही वाला चार्ज बस काउंटिंग में लिया जाएगा, बिकॉज ये तो कहीं पिक्चर में है ही नहीं बच्चों, ठीक है, कहीं है ही नहीं दूर दूर तक. तो आंसर हो गया अपना इससे क्यू वन माइनस ऑफ क्यू टू डिवाइड बाय टू, और ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट. डाउट मत रखना कि क्यू बाय टू लिखा है बच्चों, ये पूरी चार्ज की वैल्यू है. तो ये हमारा एक आंसर मिलता है. कई क्वेश्चंस में डायरेक्ट पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी जब अनइक्वल चार्ज देंगे, तो हमारा आंसर होगा क्यू वन माइनस क्यू टू बाय टू, और ये होगा ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है. और बात करते हैं पोटेंशियल की, तो पोटेंशियल यहाँ पे बेसिकली डेल्टा वी का टर्म है, जो वी पॉजिटिव माइनस वी नेगेटिव, हमेशा याद रखो इसमें. तो वी को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले क्या कहते हैं कि सर ये तो होता है ई इंटू डी. डी कितना होगा सेपरेशन, मैं यहाँ पे स्मॉल डी कर लेता हूँ. तो आंसर आ गया अपना इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये रही बच्चों, तो हो गया आंसर Q1 माइनस Q2 डिवाइड बाय 2A एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे एक D का टर्म आ रहा है. ये आप लोगों का पोटेंशियल का एक्सप्रेशन होगा जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है ना कि अनइक्वल चार्ज दिए हैं अपन ने दोनों प्लेट पे. अनइक्वल चार्ज देने पर भी बच्चों पोटेंशियल भी मिलता है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी मिलती है, और ये कैपेसिटर भी कहलाता है, ठीक है. और ये शॉर्ट ट्रिक को बहुत अच्छे से याद रखो आप लोग कि दोनों चार्ज मिलते ही कैसे अपन चारों को लिख सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, चलो बच्चों कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं. कहता है दो मेटल के प्लेट्स हैं और पैरेलल रख दिए गए हैं, और इन पे चार्ज दिया है और सभी सरफेस पे चार्ज बताना है. तो बेसिकली ये दो प्लेट नंबर वन कर लो टू कर लो, ये आप लोगों की क्यू वन की वैल्यू हो गई, और ये वैल्यू बच्चों हमारे क्यू टू की हो गई, ठीक है. इसके हो रहे हैं चार सरफेस, तो हो जाएगा Q of A, ये हो गया Q of B, Q of C और Q of D, ठीक है. तो अपन अगर इसका सॉल्यूशन लिखने जाएं तो सबको पता होता है कि QA जो होगा ना वो लास्ट वाले के बराबर होगा, और उसका आंसर होगा Q1 plus Q2 by 2. दोनों को जोड़ दो, डिवाइड बाय 2 कर दो, तो आंसर हो गया अपना 10 माइक्रोकूलम प्लस और माइनस करके 4 माइक्रोकूलम होल डिवाइड बाय 2, ठीक है बच्चों. तो देखो ये आ गया अपना 3 माइक्रो कूलम. अब ये दोनों के आंसर हैं अपने, ए का भी यही आंसर होगा और डी का भी आंसर होगा, और इंटरनली क्या आएगा वो अपन पता कर लेंगे अभी, ठीक. मतलब इस सरफेस पे रहता है वो है चार्ज 3 माइक्रो कूलम, टोटल कितना है 10, तो अंदर वाला नहीं बता पाओगे आप लोग, इजीली समझ में आ रहा है. तो ये हो जाएगा 10 माइक्रो कूलम माइनस ऑफ 3 माइक्रो कूलम, कितना आ रहा है बच्चों ये 7 माइक्रो कूलम. तो यहां लिख देता हूं मैं 7 माइक्रोकूलम, और यही यहां पे इंड्यूस भी हो जाएगा. तो देखो Q ऑफ B तो सॉल्व हो गया अपना, कितना 7 माइक्रोकूलम. Q ऑफ C बच्चों इसी का पलट के मिलेगा बस, और कुछ नहीं होने वाला. तो हो जाएगा माइनस ऑफ Q ऑफ B, ये हो जाएगा माइनस ऑफ 7 माइक्रोकूलम. आपके दो आंसर्स तो ये रहे, एक ये है और एक ये है, ठीक है. आइए आगे बढ़ते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, चार्जेस 2q और -3q दो आइडेंटिकल प्लेट्स पे हमने प्रोवाइड करा दिए हैं. क्रॉस सेक्शन A है और सेपरेशन D है, तो सेपरेशन को D कर लेते हैं. कैपेसिटेंस मांगा है और पोटेंशियल डिफरेंस मांगा है. दो प्लेट्स हो गए, इसको 1 कर लो, यहाँ पे 2 लिख लो. ये टर्म आपके Q1 की है और ये ही टर्म आपकी बच्चों Q2 की है. ये चारों सरफेस पे अलग अलग चार्ज डेवलप होंगे. फॉर्मूला कहता है दोनों अनइक्वल हो तो दोनों को ऐड कर दो. सबसे पहले तो डिवाइड बाय 2 लगा दो. यहाँ क्या होगा, Q1 लिखा माइनस लिखा और डिवाइड बाय 2 लगा दिया. इसके लिए क्या हो जाएगा, Q2 पहले आएगा, Q1 बाद में और 2, ठीक है. इंडक्शन हो गया यहाँ पे, और यही चीज यहाँ मिलने लगती है. तो आगे आंसर Q1 plus Q2 डिवाइड बाय 2. तो पहले पोटेंशियल निकालते हैं बच्चों. तो ये आ गया अपना पोटेंशियल डिफरेंस, यही आपका V है, इसको डेल्टा V बोलो. तो V का फॉर्मूला होता है प्रीवियसली मैंने पढ़ा दिया आपको, E into D, और E कहीं ना कहीं सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, इसको D बोलते हैं. ये बेसिकली Q बाय A एप्सिलॉन नॉट और D हो जाता है. अब ये क्या होगा, है ना. तो यहां देखो, इस पर्टिकुलर चार्ज की वजह से ही तो बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुई होगी, ठीक है. तो यही वाला चार्ज काउंटिंग में लेते हैं अपन.
तो आंसर आ रहा है अपना v की वैल्यू हो रही है q1 माइनस ऑफ q2 डिवाइड बाय 2, ऊपर है बच्चों d और यहां हो जाएगा a एप्सिलॉन नॉट, q1 की जगह पे आना चाहिए 2q माइनस ऑफ अगेन माइनस तो हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 3q बाय 2, ठीक है, ये हो जाएगा d और a एप्सिलॉन नॉट, तो पोटेंशियल हमारा आ रहा है बच्चों 5q d डिवाइड बाय 2a एप्सिलॉन, है ना। और बात करें अगर अपन कैपेसिटेंस की तो वो भी आसानी से निकल सकता है, कैपेसिटेंस c होगा, इसको q बाय v बोलते हैं, जनरली ये q कितना होगा उसी पे प्रॉब्लम जाती है बच्चों को, ये वही q है जिससे कैपेसिटर तैयार किया जा रहा है, तो ये वाला टर्म हो जाएगा q1 माइनस ऑफ q2 डिवाइड बाय 2, ठीक है, और पोटेंशियल का जो टर्म है ना बच्चों वो यही वाला टर्म वापस से ले लेना है अपन को, ठीक है, तो यहां हो जाएगा अगेन 1 डिवाइड, यू कैन राइट q1 बाय q2 माइनस q2 बाय 2, और यहां हो जाएगा बच्चों d और नीचे आ रहा है आपके a एप्सिलॉन नॉट, हालांकि इसको लिखना नहीं था, कैपेसिटी को इतना फर्क नहीं पड़ता है, तो आंसर तो अपना स्टैंडर्ड वाला ही आएगा a एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय d, तो यहां हमें मिल रहा है कैपेसिटी इज इक्वल्स टू a एप्सिलॉन नॉट बाय d, ये आपका दूसरा आंसर हो गया और ये बच्चों आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। और ऐसे प्रॉब्लम आते हैं तो पहले चार्ज बांट लिए जाते हैं उसके बाद पढ़ना शुरू किया जाता है, तो प्रॉब्लम नंबर 2 के ये दो आंसर्स होंगे v का और c का, ठीक है ना बच्चों।